नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है करनाल की, जहां करनाल राइस मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के दोबारा से प्रधान बनाए जाने पर विनोद गोयल का नाच मंडी आरती एसोसिएशन की ओर से उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि राइस मिलर्स एंड डीलर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं और प्रशासन के साथ मिलकर उनका हल करवाया जाए। इस मौके पर पंचायत नई अनाज मंडी के प्रधान बब्बू सहित अन्य मंडी के दुकानदार भी मौजूद रहे। विनोद गोयल ने कहा कि वह पहले भी मंडी के आढ़तियों के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल मिलाकर मंडी के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग देते रहे हैं और आगे भी उनका प्रयास अनाज मंडी के लिए समय समय पर आने वाली समस्याओं का निवारण का रहेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंडी के आढ़ती किसान व अन्य राइस मिलर डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने फूल मालाओं से विनोद गोयल का प्रधान नियुक्त किए जाने पर स्वागत किया। पहले अपनी मंडी एसोसिएशन की तरफ से विनोद गोयल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो राइस मिलर के दोबारा प्रधान चुन लिए हैं। और मैं यही कामना करूँगा, जो पहले भी अच्छे कार्य करते रहे हैं और इसलिए इनको दोबारा चुना गया, जो अच्छे कार्य किए तभी तो दोबारा आदमी को सहमति से मंडी राइस मिलर का इनको प्रधान चुना गया। मैं इसलिए इनको अपनी मंडी की तरफ से और सारे आढ़ती भाइयों की तरफ से इनको बधाई देता हूँ। हाँ जी, आपको दोबारा से प्रधान नियुक्त किया गया है राइस मिलर एसोसिएशन का, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे मैं ना केवल राइस मिल का ही प्रधान हूँ, मैं हमेशा हमारे अनाज मंडी के भाइयों के साथ हमेशा तत्पर रहता हूँ। हमारे बेअंत सिंह जी बब्बू प्रधान हैं, मैं इनके साथ बढ़ चढ़ कर मंडियों के कामों में भी हिस्सा लेता रहता हूँ। आज मैं बड़ा भाव विभोर हूँ कि सभी मंडी वालों ने मुझे बुलाकर इतने सालों बाद आज सम्मानित किया है। ये सम्मान कोई मेरे लिए छोटा नहीं है, अगर मैं कल मंत्री बन जाऊं तो ये उससे भी बड़ा सम्मान मेरे लिए होगा, क्योंकि जो मेरे साथी हैं जिनके बीच में मैं रहता हूं और वो मुझे मेरे काम को मेरे उसको सराहें और मुझे बताएं कि आप हमारे लिए अग्रणी हैं, आप हमारे लिए ठीक काम कर रहे हैं, तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्नता आज हुई है कि मुझे मंडी वालों ने समझा है और मुझे आकर राइस मिलर भाइयों ने उन्हों सब ने मुझे यहाँ पे सम्मानित किया है। सम्मान का दिया हुआ एक फूल, सम्मान का दिया हुआ एक रुपया भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत काम करता है, उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, उसको तरक्की का रास्ता दिखाता है, उसको और भलाई करने के राह दिखाता है। मैं मंडी वालों को आज यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि जो उन्होंने मुझे मान सम्मान और ये पगड़ी मेरे सिर पर रख कर, जिसके मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी इन्होंने आज ये जो पगड़ी रखी है, मैं इसका सारा मान सम्मान श्री जयपाल जी गर्ग, बेअंत सिंह जी, मेरे भाई सुखा सिंह जी, जयपाल जी, विनोद जी, जो किशन जी, अपने अनिल बदवा जी जो यहाँ पे उपस्थित है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और विश्वास दिलाऊंगा कि मंडी की समस्याओं, करनाल राइस मिल का प्रेसिडेंट होने के नाते उसके बावजूद भी मैं अनाज मंडी के जो भी कार्य बचे हुए, चाहे वो प्लॉट्स का हो, चाहे वो रिज्यूम प्लॉट्स का हो, चाहे वो ड्रेनेज का हो, जो भी यहाँ की समस्या है उनको मुख्यमंत्री के सामने मैं और मेरा बेटा लगा लो, भाई लगा लो, बब्बू ये रखकर और आपकी सभी समस्याओं को एक एक करके हल कराएंगे। यह मैं आपसे वायदा करता हूँ, इस पगड़ी का जो आपने मेरे सिर पर रखी है पूरा मान सम्मान किया जाएगा और पत्रकार बंधु जो यहाँ पर मुझे इस सम्मान समारोह में मिलने आए, मेरे सम्मान को लोगों तक पहुँचाने के लिए आए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जयपाल ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।